फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल बघेल और मैं आपका दोस्त देवपाल बघेल। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग SBI पर ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट ले रखी है ऑनलाइन, तो किस तरीके से हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं घर बैठे ही, तो आज हम ये सारी इंक्वायरी जो है जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने और भी वीडियो में आपको ये बता रखा है कि कैसे हम लोग ऑनलाइन SBI पर फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं, रिकवरिंग डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं, और आज हम फिक्स डिपॉजिट को कैंसिल करना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन SBI की वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTPS ज़रूर देख लें, क्योंकि S होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये वेबसाइट जो है सिक्योर है। तो उसके बाद जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल बैंकिंग का, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर इसे क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन एक ऊपर मिल जाता है और एक कंटिन्यू टू लॉगिन का नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए कहा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है, आपको ऑनलाइन SBI के बारे में पता ही नहीं है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप लोग ये वीडियो को वॉच करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं और आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन किट के द्वारा अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर देता हूँ। और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन की तरह मिल रखा है एक ऑप्शन, जहाँ पर आप लोग इसे क्रॉस के बटन है, यहाँ पर आप लोग इसे क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग बैलेंस को चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं, और ब्रांच कौन सी है वो भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं फिक्स डिपॉजिट, रिकवरिंग डिपॉजिट, जो कि आपने अगर ओपन कर रखे हैं तो आपको नीचे मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फिक्स डिपॉजिट और रिकवरिंग डिपॉजिट ओपन कर रखे हैं। और फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए अपने फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पर डिलीट करने वाला हूँ, जो कि मैंने 4 दिसंबर को ओपन किया था। आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ, इसलिए ही मैं ये अकाउंट को डिलीट करने वाला हूँ आपके सामने। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए फिर हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, इसके लिए ऑप्शन तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है, इसके लिए हमें ऊपर एक ऑप्शन नज़र आता है ई फिक्स डिपॉजिट का, तो वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ETDR/STDR पर ही क्लिक हो रखा है, तो हमें प्रोसेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है अमाउंट का, तो अमाउंट पे नहीं जाना है हमें। यहाँ पे ऊपर आप लोग देखेंगे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि क्लोज अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक होने के बाद हमें यहाँ पर हमें 2 अकाउंट मिल रहे हैं, बाकी हमारे 4 अकाउंट थे वहाँ पर, और रिकवरिंग डिपॉजिट के अकाउंट यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ पर सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट आते हैं। जैसे कि मैंने फिक्स डिपॉजिट 2 कर रखा है, तो मेरे 2 अकाउंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमार्क का, तो आपको यहाँ पर रिमार्क में कुछ भी लिख देना है, जैसे कि इमरजेंसी स्कूल फीस, कुछ भी आपको लिख देना है, ये लिखना ज़रूरी है, तभी आप लोग कंफर्म कर पाएंगे। तो चलिए ये लिखने के बाद आप इसे कंफर्म पे क्लिक करें, और उसके बाद एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, ये आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि आपने रजिस्टर्ड कर रखा होगा अपने अकाउंट से। तो जैसे कि देख सकते हैं ऊपर आप हमें OTP नंबर मिल गया है, और मैं यहाँ पर इसे फिल कर देता हूँ। और फिल करने के बाद जब आप इसे फिल कर देंगे, उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे इसे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। चलिए फिर इसे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है, ये देखिए हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोज्ड, और हमने जो FD बना रखी थी वो FD क्लोज हो चुकी है आज। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज में आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं पासबुक आप लोग यहाँ से ही देख सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग माय अकाउंट पे जाकर और अपने पासबुक में देख सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है फिक्स डिपॉजिट की, वो यहाँ पर ये इमरजेंसी स्कूल फीस हमने लिखा था, और यहाँ पर जो आपकी पेमेंट थी वो यहाँ पर आ चुकी है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग घर बैठे फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।